8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारियों को हड़ताल पर गए एक पखवाड़ा से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ना ही शासन स्तर पर उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और ना ही पटवारियों के बीच समझौता की स्थिति बनी है, जिसके कारण आम लोगों के कामों के साथ लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के कारण जिले के सभी ब्लॉक तहसील कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी तहसील में सिर्फ पुरानी फाइलों को निपटाया जा रहा है, जिसमें पटवारियों की जरूरत नहीं पड़ सकती है। पटवारियों की हड़ताल का असर अभी आम लोगों पर पड़ रहा है, जिसके कारण सीमांकन, बटांकन, नामांतरण सहित कई काम नहीं हो पा रहे हैं। इसका असर अब तहसील कार्यालय परिसर में नोटरी करने वालों पर भी पड़ने लगा है, जिससे उनका धंधा मंदा चल रहा है। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद बेमेतरा तहसील कार्यालय के सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं। पटवारियों के ऊपर एस्मा लगाने के बाद 25 पटवारी हड़ताल पर थे, जिसमें 4 पटवारी परीक्षावधि काम पर वापस लौट गए हैं। तहसील के सभी तहसीलदारों के कार्यालय में सन्नाटा पसरा है। कुछ तहसीलदार नदारद दिखे तो वहीं जो थे वे फुर्सत में नजर आए। इनमें से कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि वे पुराने मामले का निराकरण कराने यहां पहुंचे हैं। पटवारियों के हड़ताल के कारण स्टाम्प बिक्री में भी कमी आई है। शपथ पत्र सहित कई कार्यों में स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। पटवारियों द्वारा एस्मा लगाने के बाद भी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है। कुल 25 पटवारी हड़ताल पर गए थे और छत्तीसगढ़ शासन के कल एस्मा लगाने के प्रभाव से आज 4 पटवारी जो परीक्षा अवधि में है वो ज्वाइन कर लिए। राजस्व प्रशासन में पटवारी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो फील्ड में जाकर काम करते हैं और निश्चित रूप से उनके हड़ताल में जाने से बहुत सारा काम किसानों का प्रभावित हुआ है। जैसे कि अभी स्कूल खुलने का समय आ गया है तो आय जाति निवास में पटवारियों का हस्ताक्षर लगता है उसके प्रतिवेदन में। उसके अलावा जो कोर्ट केस होते हैं जिसमें फील्ड में जाकर पटवारी जांच पड़ताल करते हैं, तो वो केसेस जिसमें उसकी जांच पड़ताल में रिपोर्ट नहीं आया वो प्रभावित हो रहा है और ओवरऑल तो उसके बिहाफ में बहुत सारा काम प्रभावित है। ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसमें पटवारी का प्रतिवेदन पूर्व में आ गया है या हमारे स्तर में जो हो सकता है वो काम हो रहा है, जैसे कि नामांतरण में आदेश करना, बंटवारा में आदेश करना, जांच करना, इस टाइप से काम हो रहा है। किरान बनाना होता है जरूरी तो बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा, वर्तमान में अभी तो ये सब ठप है, अभी काम धाम तो प्रभावित है हड़ताल की वजह से जी, और तो चल ही नहीं रहा है। ये तो लगभग एक माह नहीं चाह रहे हैं, भटक रहे हैं, वो क्या है जी। हमारी हड़ताल तो पसंद की मांग को चल रहा है और कल रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ के पटवारी साथीगण उपस्थित थे। सभी ने एक साथ एक उच्चारण से कहा कि जब कार हमारी 8 मांगों को नहीं मान लेती हमारा आंदोलन द्वारा जारी रहे। जो धमकी दी जा रही जो इसमा आंदोलन के पश्चात रात इसमा सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, तो इसमा लगाने के बाद भी सरकार कुछ भी कर ले, चाहे हमको गिरफ्तार कर ले या किसी भी प्रकार को हमने क्या कोशिश किया जाए साथियों को, लेकिन यहाँ जो संवेदनकार है, जो बहुत ही संवेदनशील सरकार है, उस बाद भी असंवेदनशील सरकार के द्वारा सताया जा रहा है। कहीं ना सरकार को डर है और यह डर जो है पटवारियों के ही हड़ताल से हुआ है। इसके पहले कर्मचारी अधिकारी लोग भी हड़ताल किए थे, वापस चले गए आश्वासन, लेकिन हमारे पटवारी साथी इस बार आश्वासन पर वापस जाने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे 8 सूत्री पूरा नहीं होती हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सर, एस्मा लगने का मतलब तो यही लग रहा है कि सरकार हमारी मांगों को छुटाना चाह रही है और हमारी सभी मांगें जायज है, इसमें कोई अन्यथा नहीं है कि उनके बजट को इफेक्ट पड़े या किसी प्रकार की परेशानी सरकार को होने वाली नहीं है। शासन इसको समझ रही है कि इसमें कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मांगें जायज हैं, वो हमें किसी भी हाल में हमारे आंदोलन को, हमारे अधिकार को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, बट ऐसा नहीं है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं होगी। हमको सरकार पर भी विश्वास है कि सरकार हमको हिलाने की कोशिश कर रही है, कि देख रही है कि ये पटवारी हटते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं और हमारी मांग पूरी होगी। ये हम लोग को सकारात्मक विचारों के साथ हम सभी पटवारी भाई बहने इसमें लगे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।